स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ है रोडीज कर्म और कांड से नीरजा। नीरजा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ओके थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। थैंक यू। नीरजा, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट हाउ डज इट फील, आई मीन इन दिस सोसाइटी जहाँ पे अभी भी काइंड ऑफ मेल डोमिनेंस है, टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट जेंडर जो कि स्पेसिफिकली अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत सारी जगह पे, एंड स्पीक इट और इसे पब्लिकली लाइक नेशनल टेलीविजन पे बोलना। क्या फीलिंग थी, कितने गट्स लगे, या कितना ज्यादा आपके लिए ये टफ था या इजी था ये काम? टफ और इजी की बात जब आती है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि ये चीजें मैं हमेशा से ही अपने राइट्स के लिए और अपनी चीजों के लिए बोलती आई हूँ। और ये अभी से नहीं कि रोडीज पे आके मैंने स्टार्ट किया। मैं जब भी कॉलेज के टाइम से व्हेन आई फिगर इट आउट अबाउट माय आइडेंटिटी तब से लेके अब तक मैं चीजों के बारे में बोलते आ रही हूँ। अपने फ्रेंड्स को समझाना, दोस्तों को समझाना, सोशल मीडिया पे इन चीजों के बारे में बात करना, तो मुझे लगता है वो इतना टफ नहीं था। बट कहीं ना कहीं तो चीजें हैं जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी। और मुझे लग रहा था कि अब मैंने रोडीज पे आई और वो PI जो था वो काफी वायरल हुआ और बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा। और मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि लोग बहुत अच्छे से चीजें समझेंगे और शायद बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल हुआ है एक हद तक। बट कहीं ना कहीं मैं उस बैकलैश के लिए तैयार नहीं थी जो उसके साथ आया है। तो बाकी जहां तक बात गट्स की है और तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा कुछ ऐसा डर या फिर कुछ ऐसा किसी भी तरीके का किसी भी लोग से, मतलब जब तुम ट्रांस तुम किसी माइनॉरिटी जेंडर से होते हो तो तुम बहुत जल्दी लड़ना सीख जाते हो जिंदगी में। तो जब तुम लड़ना सीख जाते हो जिंदगी में तो मुझे लगता है ये छोटी मोटी चीजें जहाँ पर जैसे कि आप टूरिस्ट पे जा रहे हो आप वहां पर ये चीजें बोल रहे हो वो सब चीजें मेरी पर्सनल थी। वो चीजें कुछ ऐसी बनाई नहीं गई या फिर उसमें कहीं मुझे किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ा ताकि जिससे मुझे डर लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। वो सब एकदम जब तुम खुले दिल से अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हो तो मुझे नहीं लगता उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा गट्स की जरूरत होती है। ओके, सो बेसिकली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन लाइक किड्स फेस करते हैं, अपने पेरेंट्स को फेस करना, व्हाट यू थिंक कि आपके लिए अपने पेरेंट्स को इस चीज के साथ फेस करना इजी था, उनके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट था इस चीज को एक्सेप्ट करना, प्लस काइंड ऑफ आसपास की जो सोसाइटी होती है उनका भी एक फैक्टर वर्क करता है कि हाँ लोग क्या बोलेंगे, हमारा समाज क्या बोलेगा। तो हाउ वेलकमिंग आपके पेरेंट्स ने इसको एक्सेप्ट किया, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर इस चीज को लेके एक्सेप्टेंस आया? तो चीजें होती हैं, मैं हरियाणा से हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है इन चीजों के लिए। अब मेरे जो ब्राउन पेरेंट्स हैं उनको भी कभी किसी ने बताया नहीं है। अब मेरे डैड 54 55 के हैं और उनको कभी इन चीजों के बारे में पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी कैसे क्वेश्चन करूं, मैं अपने मम्मी को भी कैसे क्वेश्चन करूं, मैं अपने दोस्तों को भी कैसे क्वेश्चन करूं जब उनको इन चीजों के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। मुझे इस चीज के बारे में पता चला क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ इट, है ना, और फिर मैंने अपनी जो रिसर्च करी, वरना मैं भी इन चीजों को लेके काफी अनअवेयर थी। तो अब जहां बात एक्सेप्टेंस की आती है तो मेरे फादर जो हैं अभी भी हम बात नहीं कर रहे हैं इवन रोडीज के बाद भी। तो PI तो उन्होंने जरूर देखा ही होगा, दिखाया हुआ होगा उनको, मेरी मम्मी ने दिखाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी उनके लिए बहुत टफ है ये चीजों को एक्सेप्ट करना। लेकिन वो मुझे ऐसे पर्सनली कुछ बॉदर नहीं कर रहे हैं, बट बात ये है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए बहुत इमोशनली ओवरवेलमिंग हो जाता है कि जब तुम एक घर में रहते हो और तुम बहुत बार वो चीजें बता चुके हो और उसके बाद फिर भी वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकती हूँ कि उनके लिए कितना टफ हो रहा होगा ये चीज और कितना मेरे लिए भी साथ के साथ टफ हो रहा है कि उनको ये चीजें बार 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 अनलर्न और लर्न कराना। रोडीज ही क्यों चुना आपने ये प्लेटफॉर्म, लाइक आपके लिए वाई रोडीज, इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए आपको सच में एक जिल थी कि मुझे रोडी बनना है? तो रोडीज का कुछ ऐसा है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना और मेरी मम्मी चाहती थी कहीं ना कहीं मेरे बच्चों में से कोई एक तो जरूर रोडी जाए। तो जब बात इसकी आती थी और जब मैं बोलती थी कि मुझे रोडी जाना है तो कहीं ना कहीं मेरा भाई तो बहुत तेज हंस लेता था, बहुत ज्यादा हंसता था वो मुझ पे। वो इसलिए क्योंकि आई बीन एन एफेमिनेट किड हमेशा से, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको लगता था कि रोडीज में सिर्फ इस तरीके के आदमी और इस तरीके की औरतें जाती है जैसे फिजिकली मेंटली और हर तरीके से स्ट्रांग हो। और वो कहीं ना कहीं उनकी वो होती है ना, जब तुम हरियाणा से होते हो तो उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है ना, कोई एफेमिनेट किड को देख के यार ये तो कमजोर है ये तो ऐसी है। बट आई हैव ऑलवेज बीन एन एथलीट, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि जब मैं मुझे जाना है
और जब राइट टाइम आएगा उसका तब मैं जरूर जाऊंगी और सबको प्रूव करूंगी कि भाई जरूरी नहीं है कि तुम रोडीज में सिर्फ एकदम रफ एंड टफ बन के जा सकते हो, और बहुत सारी चीजें होती है जो रोडीज में तुम्हें जरूरत होती है। अगर यही बात होती जहां पर सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस की बात होती तो शायद रोडीज के ऑडिशन जिम में हुआ करते, लेकिन रोडीज के ऑडिशन जिस तरीके से होते हैं कहीं ना कहीं उनको भी एक इंक्लूसिव पूरे के पूरे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, जहां पर अपनी अलग अलग स्टोरीज के साथ अपने अपने अलग अलग अपने अपने सबकी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अलग अलग स्ट्रेंथ्स के साथ लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मान लो आप, मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये जरूरत है कि अपने भाई को जरूर गलत प्रूव करूंगी मैं, और वही गलत प्रूव करने के लिए मैं पहुंच गई ऑडिशंस में और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रोडीज की कंटेस्टेंट भी बन गई। तो कहीं ना कहीं वही सिर्फ सिर्फ मेरे भाई के लिए नहीं, काफी बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीजें होती हैं कि सिर्फ इसी तरीके के लोग रोडीज जाएंगे, और तो कहीं ना कहीं उसको जो गलत प्रूव करने की बात थी और कहीं ना कहीं अपने आप को सही प्रूव करने की बात थी, तो वहां से मेरी रोडीज की जर्नी स्टार्ट होती है। तो टीम रिया ने कैसे अभी तक नंबर्स में खुद को सबसे ज्यादा बनाए रखा है, और कैसे आप लोगों ने अभी तक अपने टीम से मिनिमम एलिमिनेशंस जो हुए हैं वो बरकरार रखा है? इज इट लाइक अलायंस है या फिर आपकी ये स्ट्रैटेजी है टू मूव अहेड इनटू द गेम? तो जब मैंने आपको अभी बोला कि एम्पथी बहुत ज्यादा है, जब एम्पथी होती है तो फिर यूनिटी आ जाती है, और जब यूनिटी है तो भैया स्ट्रेंथ तो होगी होगी। कहीं ना कहीं मैंने जिस तरीके से भी ये भी बोला था कि रोडीज में इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेंथ एंड इट्स ऑल्सो अबाउट माइंड गेम, किस तरीके से तुम अपनी पॉलिटिक्स खेलते हो कि तुम अपने आप को जोड़े रखो और दूसरे को तोड़ते जाओ। तो वही चीज हमने करी, हम खुशी खुशी सिर्फ एंजॉय करते हुए खेलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत स्मार्ट प्ले किया, और जहां पर हमने खुंदस नहीं निकाली एक दूसरे के साथ, हम सिर्फ मतलब जो चल रहा था, कोई हमारे साथ अलायंस बना रहे तो हम अलायंस बना रहे हैं, कोई हमारे साथ अलायंस तोड़ रहे हैं तो तोड़ रहे हैं, कोई हमें हम बहुत वेलकमिंग रहे हैं। जिस तरीके से रिया मैम वेलकमिंग रही है अपनी गैंग को लेके, उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग लोगों को लिया, उस तरीके से हमारी पूरी पूरी गैंग भी वेलकमिंग रही है कि अगर किसी को अलायंस बनाना है तो बनाओ और जिसको जाना है वो जाओ, और उसी हिसाब से जिस तरीके से हम गेम खेलते रहे, कुछ हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस चीज के पीछे, और वो आराम से प्यार से चलती रही, इसलिए हमारी गैंग इतनी जुड़ी हुई रही और सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट अभी तक रही उसमें। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस जब आपको पता लगा कि यू आर लाइक एलिमिनेटेड एंड अब आप श्रोडीज का पार्ट नहीं रहे हैं? तो एलिमिनेशन तो मेरे लिए काफी धक्का लग गया था मुझे उस टाइम पे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होके आई। मैं क्या होती हूँ, मुझे वोट आउट्स में तैयार होना बहुत ज्यादा पसंद था और मैं वोट आउट्स में हमेशा तैयार होकर जाती थी, और उस दिन मैं ऐसे काफी हल्के में ले गई वोट आउट की, ठीक है नीरजा आज तो तू ऐसे सेफ है, तेरे पे कभी खतरे की घंटी नहीं लटक रही है, तो आराम से चिल मार के जा, और मैं आराम से गई। लेकिन जिस तरीके से ट्विस्ट आया, सोनू अस्त्र चला और चीजें बदली, और हर एक गैंग लीडर ने दो दो कंटेस्टेंट को सेव किया, और फिर जो बचे हुए कंटेस्टेंट है उसमें से कोई एलिमिनेट होने वाला था, तो उस टाइम पे मतलब धरती एकदम से हिल गई थी मेरे पैरों के नीचे से कि भाई कुछ ना कुछ अब ड्रामा इन्होंने जो डाल दिया, मसाला डाल दिया, अब मैं शायद जा सकती हूँ। और फिर मुझे जिस तरीके से गौतम सर की गैंग ने 6 के 6 वोट मेरी तरफ आए थे, उस दिन डबल एलिमिनेशन हुआ है मेरे साथ, दिग्विजय भी गया बाहर, और तो जब डबल इविक्शन की बात आई तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद आज मैं जा सकती हूँ। तो उस दिन मैं बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि मेरा जाना होगा, और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी मेंटली, और तो इसलिए मैं एकदम से जब ये हुआ, जब पता चला कि मैं जा रही हूँ, और मैं इतनी नम हो गई कि मैं कुछ बोल नहीं पाई, वरना जिस दिन मैं जाने वाली थी उस दिन मैं सोच के आई थी कि जिस दिन मैं रूढ़ी से निकलूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक एक बेसिक्स लोगों को मतलब मेरी बेसिक स्टोरी के बारे में पता है, मैंने कभी अपने ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स को मेंशन नहीं किया ताकि कल को लोग आके ये ना बोले कि नीरजा सिंपथी लेके शो के अंदर आई है, तो इसलिए मैंने कभी वो सारे इंसिडेंट्स मेंशन नहीं करे अपने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं शायद रोडीज से निकलूँ उस दिन मैं सारी चीजें बोल के जाऊंगी, लोगों को समझाऊंगी कि मेरे लिए कितना टफ रहा है यहाँ पर आना और किस तरीके से मैं यहाँ तक आई हूँ। लेकिन उस दिन जिस तरीके से वो अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशन हुआ मेरा, मुझे उसने इतना नम कर दिया कि मैं वो चीजें बोल ही नहीं पाई। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितने आई हूँ, शांति से निकली हूँ, और मैं जाके ऐसा हो गया कि हुआ क्या, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं थी उस चीज के लिए। तो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन मैं सीरियसली आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जानना चाहती हूँ। इफ यू हैड अ चांस कि आपको एक मेंटालिटी लोगों के अंदर चेंज करने का मौका मिले कि लाइक कोई भी एक चीज हो, तो व्हाट वुड योर फर्स्ट प्रेफरेंस जो कि आप चाहेंगे कि लोग बहुत इजीली उस चीज को समझे और एक्सेप्ट करें?
मुझे लगता है मैं सबसे पहले पेट्रियार्की खत्म करना चाहूंगी। जिस दिन पेट्रियार्की खत्म हो जाएगी उस दिन आई थिंक एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होगी, उस दिन में लोगों में एम्पथी भी ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं लोग समझने लगेंगे चीजों को लेके। तो मैं ये पेट्रियार्की जो है वो कहीं ना कहीं खत्म करना चाहूंगी, इसको इरेज करना चाहूंगी। फाइन। तो जितना भी आपकी जर्नी रही है और जितना भी दिन आपने रोडीज में टास्क किए, जिया, ट्रैवल किया, फ्रेंड्स बनाए, तो व्हाट डू यू थिंक कि लास्टली आपके हिसाब से कौन रोडी के लिए सबसे प्रबल दावेदार है? तो मेरे हिसाब से अगर मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऋषभ जयसवाल है, उसमें काफी सारी क्वालिटीज हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो टास्क अच्छे करते हैं, स्मार्ट हैं और इंस्टेंट डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रोडीज का विनर बनने के लिए लायक जरूर है वो। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ जयसवाल ही जीतेगा। और बाकी देखते हैं, गेम रोडीज गेम ऐसा है जहाँ पर इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं तो बहुत टफ होगा ऐसे किसी भी एक कंटेस्टेंट को का नाम लेना, क्योंकि नहीं पता किसके लिए कौन सा टर्न भारी पड़ जाए। तो मेरा मैसेज सभी जो भी मुझे प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए, और जो भी लोग मुझे प्यार नहीं भी करते हैं मैं सभी को ये बोलूंगी कि बहुत छोटी सी जिंदगी है और हमें, मुझे लगता है कि हमें प्यार से जीनी चाहिए, हमें लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे भी वो हैं, हाँ इरिस्पेक्टिव टू देयर कास्ट क्लास सेक्स और जेंडर। तो हमें जितनी छोटी जिंदगी है तो प्लीज मोहब्बत से जियो, प्यार से जियो और लोगों को सपोर्ट करो जितना हो सकता है, और साथ ही में करो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।